निकला चूहा। कैसे पहचानने में अगर मुश्किल हो रही है तो मैं बता दूं, मैं वही हूं जो चूहे खाने वाले सांपों को पकड़ता हूं, इंस्पेक्टर गणेश। मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं इंस्पेक्टर, जहां तक मुझे याद है तुम वही इंस्पेक्टर हो जो कि एक बार मेरे घर की तलाशी का वारंट लेकर के आए, और यहां से कहीं बहुत दूर एक छोटे से गांव में तुम्हारा काम चल गया। कहो आज कैसे आया हूं? तुम्हारे चेहरे से नकाब हटाने के लिए प्रोफेसर एक दिन की छुट्टी काफी नहीं है। तुम्हें शायद ये सुनकर बुरा लगे लेकिन सरकार ने मेरा इसी शहर में तबादला कर दिया। रस्सी जल गई मगर ऐठन नहीं गई। और ये ऐठन तब तक नहीं जाएगी प्रोफेसर जब तक मैं तुम्हारे गले में फांसी का फंदा नहीं डालूंगा। मुझे बिल्लियों पर तुम्हें काफी एक्सपेरिमेंट कर चुका, अब मुझे एक लाश चाहिए, लाश, एक ताजी लाश। जब तक कि मैं एक ताजी लाश को जिंदा नहीं कर लूंगा लोग मेरे पर विश्वास नहीं करेंगे, नहीं करेंगे लोग मेरे पर विश्वास। दूध साहब, ये छपका है, इस रिसर्च की खातिर किसी ना किसी को तो बलिदान देना ही पड़ेगा। ये तुम साइकिल अपनी हमेशा यहां क्यों खड़ी करते हो? तुम जिंदा बचोगे, जिंदा बचोगे, घबराना मत, जरा सी देर की बात है, तुम जिंदा बचोगे, जिंदा। तुम दुनिया के वो पहले व्यक्ति हो जिसे कि यह अमृत दे रहा हूं मैं। प्रोफेसर हिरेंद्र हियर। हेलो प्रोफेसर, मैं माफी चाहती हूँ, मैंने आपको इतनी रात गए फोन किया। मेरा नाम अमृता है, मैं वीकली साइंस जर्नल के लिए काम करती हूँ। माफ कीजिए, मैं किसी को भी इंटरव्यू देने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जानती हूँ, लेकिन हमारा अगला इश्यू जेनेसिस ऑफ लाइफ पर है और वो आपके इंटरव्यू के बगैर अधूरा रह जाएगा। देखिए मैं सर प्लीज, अगर मैं आपका इंटरव्यू ना ले सकी तो मेरा जॉब चला जाएगा।
हाँ अगर ऐसी बात है तो मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए मुझे भीड़ भाड़ बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अकेली आए। नहीं नहीं मेरे साथ कोई नहीं आएगा, मैं अकेली ही आऊंगी। ठीक है कल शाम को 7 बजे आ जाइएगा आप। जी हाँ कल शाम ठीक 7 बजे। राइट थैंक यू। कौन है वो? मेरा नाम अमृता है जनाब। बस अब मजा आएगा, साला हाथ ही नहीं आ रहा था। कितनी बार सोचा कि उसके घर का चप्पा चप्पा छान मारूं, लेकिन अमृता जितना तुम सोच रही हो कि ये काम इतना आसान है उतना है नहीं। आदमी बहुत खतरनाक है। मुझे तुम्हारे सारे शक बेबुनियाद लगते हैं। बात करने में तो प्रोफेसर अच्छा इंसान नजर आता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने तुम्हारी अभी तक जान नहीं ली है। मुझे प्रोफेसर की असलियत पता है लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है और गायत्री मर चुकी है। गायत्री? कौन गायत्री? गायत्री मेरी बहन थी अमृता, मेरी बहन। तुमने तो मुझे उसके बारे में पहले कभी नहीं बताया। क्या फायदा, जिक्र तो उनका किया जाता है जो जिंदा हो। उस प्रोफेसर ने उसकी जान ले ली, हमारे सारे सपनों को चूर कर डाला उसने। लेकिन गायत्री और प्रोफेसर के संबंध क्या थे? संबंध? गायत्री प्रोफेसर की एक स्टूडेंट थी। वो उसके अंडर PhD की थीसिस सबमिट कर रही थी। वो रोज जाती थी वहां पर। फिर एक दिन, हाँ उसका एक दिन मुझे फोन आया। वो प्रोफेसर के घर से ही बात कर रही थी। हेलो गणेश, मैं गायत्री बोल रही हूँ। बोलो गायत्री, क्या बात है, तुम इतनी घबराई क्यों हो? गणेश तुम जहाँ भी हो फौरन आ जाओ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। आई नीड योर हेल्प गणेश। तुम बोल कहाँ जा रही हो गायत्री? मैं इतनी घबराओ मत गायत्री। गायत्री बोलो, क्या तुम्हें मेरी रिसर्च पर भरोसा नहीं? नहीं सर, मैं मरना नहीं चाहती। आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। गायत्री तुम कुछ बोल नहीं रही। देखो गायत्री मैं पागल नहीं हूँ और यही बात मैं दुनिया के सामने साबित करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? नहीं सर, मुझे जाने दीजिए सर। मौत का एहसास किए बिना मैं तुम्हें यहाँ से कैसे जाने दूंगा? नहीं सर। गायत्री I'm sorry गणेश। अमृता मैंने अपने कानों से सुना है, उस प्रोफेसर ने मेरी बहन की जान ले ली। फिर तुमने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके बाद गायत्री मुझे कहीं मिली नहीं। नहीं मुर्दा। क्या तुम्हें यकीन है कि प्रोफेसर ही गायत्री के साथ उस दिन था? क्योंकि गायत्री किसी को भी सर कह के नहीं बुलाती थी। दुख तो मुझे इस बात का है कि किसी को भी मेरी बात का यकीन नहीं है। कानून को सबूत चाहिए, सबूत मैं दूंगा उस हत्यारे को रंगे हाथ पकड़कर। मैं तुम्हारे साथ हूं गणेश। अगर प्रोफेसर ने ही गायत्री का खून किया है तो उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। इसे रख लो, इसकी तुम्हें जरूरत पड़ेगी। जी हाँ सर, मैं अकेली ही आई। वेरी गुड, वंडरफुल। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी अमृता जी कि आप बड़ी हिम्मत वाली लड़की हैं। वो क्यों? क्योंकि आप मेरे यहाँ अकेली आई ये जानते हुए भी कि लोग मेरे बारे में किस किस तरह की बातें करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप इस देश की एक महान हस्ती हैं। थैंक यू वेरी मच। कम से कम कोई तो ऐसा है जो कि मुझको बड़ा आदमी समझता है। बैठिए प्लीज, बैठिए, रिलैक्स।
क्या लेंगे आप, चाय कॉफी ठंडा या जूस? जूस लीजिएगा, ठंडा जूस चलेगा। मैडी मैं आता हूँ। घबराइए मत मिस अमृता, ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। इससे पहले कि सवाल जवाबों का सिलसिला शुरू हो, कीजिए आप जूस पीजिए, बैठिए। अरे वाह, आपके हाथ में कैमरा, आपके मेरा फोटोग्राफ लेना चाहती है, लीजिए जूस लीजिए। हाँ पूछिए मिस अमृता, मेरे पास वक्त बहुत कम है, पूछिए। आपको कहीं जाना है? नहीं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा। मुझे भी कहीं नहीं जाना। लेकिन पूछिए ना, आप क्या पूछने जा रहे थे? अरे आपकी तबीयत तो ठीक है ना? इतने सालों से आप मौत पर रिसर्च कर रहे हैं। जी। फिलीपींस में हुई कॉन्फ्रेंस में आपने कहा था कि आप एक ऐसी दवा बना रहे हैं जिससे आप एक दिन एक लाश को जिंदा करेंगे, क्या ये आपका सपना पूरा हुआ? कल तक तो वो सिर्फ एक सपना था, लेकिन लगता है आज शायद वो एक हकीकत बन जाए। मैं कुछ समझी नहीं। आप आज एक सही मौके पर आई हैं मिस अमृता, क्योंकि आज ही मैं पहली बार उस दवा का इस्तेमाल कर रहा हूँ। किस पर? एक लाश पर। लाश पर? लेकिन लाश आपको मिली कहाँ से? मिस अमृता, मुझे भीड़ में चलता फिरता हर आदमी एक चलती फिरती लाश नजर आता है। आप अपने आप को देखिए, आप आराम से बैठी हुई जूस पी रही हैं, रिलैक्स्ड, लेकिन मुझे तो आप एक लाश लग रही। आपने इस जूस में जहर मिलाया है? जी हाँ, लेकिन आप घबराइए मत, मेरे पास मौत की दवा है, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। यही वो एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं इतने साल से कर रहा हूँ, यही वो मेरा सपना था। घबराने की कोई बात नहीं है अमृता जी, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। आप सच कह रहे हैं? हाँ। आपने मुझे जहर दिया? बिल्कुल, और यही तो वो एक्सपेरिमेंट था जो कि मैं तुम्हारे साथ कर रहा था। नहीं, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? ये बात तो समझ भी कुछ अमृता जी, प्लीज ठीक है, ये यही वो टेस्ट है जिसके युग में कर रहा था। मरने से पहले मैं आपको मार डालूंगी। देखिए देखिए मेरी बात को समझ, देखिए अमृता जी प्लीज प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आप जिंदा रहेंगे, मैं आपको मरने नहीं दूंगा, प्लीज। ब्रह्मा, मांगो मुझसे जिंदगी की भीख, मांगो मुझसे जिंदगी की भीख, क्योंकि अकेला मैं ही एक ऐसा इंसान हूं इस पूरे जहां में जो तुम्हें जिंदगी दे सकता है। मैं ही जिंदा कर सकता हूं तुम्हें। कल देखना ये सारी दुनिया मेरे कदमों में पड़ी होगी और मौत की इस दवा की एक घूंट के लिए भीख मांग रही होगी मुझसे। भीख, ये है वो दवा जो तुम्हें जिंदा कर सकती है, जिंदगी दे सकती है तुम्हें मिसमता। इसमें पूरी इंसानियत की जिंदगी भरी हुई है। और जाओ अमृता, अब जाग जाओ इस नींद से, आज से तुम अमर हो। उठो और इस दुनिया को दिखा दो कि मौत सिर्फ एक नींद है। उठो उठो अमृता, उठो अमृता।
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे 20 साल की मेहनत इस तरीके से बर्बाद नहीं जा सकती। अमिता, अमिता तुम्हें उठना होगा, अमिता तुम्हें उठना होगा। अमिता ऐसा नहीं हो सकता। अमिता जागो, अमिता, अमिता जागो। मेरी 20 साल की मेहनत इस तरीके से बर्बाद नहीं जा सकती। दिखा दो दुनिया को कि मैं ब्रह्मा हूं। नहीं, तुम्हें जागना होगा अमृता, तुम्हें जागना होगा अमृता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जागो अमृता, जागो, जागो अमृता, तुम्हें जागना ही होगा। नहीं, मेरे 20 साल की मेहनत बर्बाद नहीं जा सकती। मेरे पास समय है, मेरे पास मौत की दवा है। मैं सारी दुनिया को जिंदगी दे सकता हूँ। नहीं, नहीं, तुम्हें जागना होगा अमृता। जागो, जागो। नहीं, नहीं, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। नहीं हो सकता ये, नहीं, नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन। इंस्पेक्टर, अब मैं और ज्यादा इस खेल में तुम्हारा हिस्सेदार नहीं बन सकता। दो बार तुम मुझसे ऐसा मजाक कर चुके हो। इनफ इज इनफ। सर प्लीज, अमृता अभी आती होगी। सर एक घंटे से मैं तुम्हारी यही बकवास सुन रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारी अमृता? सर मुझे लगता है कि वो किसी परेशानी में फंस गई है। मैं उसे फोन करता हूँ। सर फोन उठाओ। प्रोफेसर, अमृता कहाँ है? क्या किया तूने अमृता के साथ? जवाब नहीं देता तू। अमृता का फोन दे। जवाब क्यों नहीं देता तू? प्रोफेसर, अगर अमृता का कुछ भी हो गया तो मैं तुझे फांसी पे चढ़वा दूंगा। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं प्रोफेसर। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। तमाम सबूतों के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि प्रोफेसर हीरेंद्र एक कातिल है। अदालत ने दफा 302 के तहत मौत की सजा सुनाती है। टू बी हैंग टिल डेथ, 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 टू बी हैंग टिल डेथ। मैं किसी जेल की चक्की पीसने के लिए नहीं बना। मैं तो सारी कायनात को जिंदगी देना चाहता था। तुम लोग नहीं पकड़ सकते मुझे, नहीं पकड़ सकते मुझे। मैं ब्रह्मा हूं, ब्रह्मा हूं मैं। मैं यहां से कहीं दूर चले जाऊंगा, किसी ऐसी जगह पर जहां तुम मुझे पकड़ भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते। तुम मुझे नहीं छू सकते। मुझे तुम सबसे परे, तुम सबसे अलग। दरवाजा खोलो बाबू सर, आज तक कोई नहीं जा सकता। तुम लोग छू भी नहीं सकते मुझे, पकड़ भी नहीं सकते मुझे। मैं तुमसे अलग हूं। तुम लोग मुझे नहीं पकड़ सकते, नहीं पकड़ सकते तुम लोग मुझे। लगता है वो आ रहा है। अमृता तुम जीत हो ना? प्रोफेसर कहाँ? मुझे कुछ याद नहीं है। उन्होंने मेरी ड्रिंक में कुछ मिला दिया और मैं बेहोश हो गई। लेकिन प्रोफेसर है कहाँ? कुछ पता नहीं, मैं अभी भी सोकर उठी। सोकर उठी? क्या बकवास है। कम ऑन, अंदर देखते हैं।
आखिर कहाँ गया होगा? अरे तुम तो कहते थे अमृता की जान खतरे में है, यहाँ से तो प्रोफेसर भी गायब। सर क्या हुआ होगा यहाँ? चलो दूसरे कमरे में देखते हैं। ये क्या किया तुमने? अरे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम अपनी दुश्मनी इस तरह निकालोगे। तुमने और अमृता ने मिलकर प्रोफेसर को मार डाला। नहीं सर, आप इंस्पेक्टर, मैंने प्रोफेसर को नहीं मारा। वो बोलो अमृता, बोलो। वो उन्होंने मुझे दिया था। अच्छा, मिस अमृता, खाने के बाद लोग मर जाते हैं, तुम तो अभी तक जिंदा हो। मौत का इलाज होने में अभी भी बहुत वक्त बाकी है, कोई और कहानी हो तो सुनाइए। सर, आप मेरा यकीन कीजिए। स्टॉप इट। मैं तुम दोनों को प्रोफेसर के खून के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। हट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।